नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्लायंस पॉलिसी। कंप्लायंस पॉलिसी बेसिकली क्या होती है कि किस तरीके से आपका कंप्लायंस वर्क करेगा, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लायंस पॉलिसी बोलते हैं। तो एक बैंक के कंप्लायंस सिस्टम को रिपोर्ट बनाने के लिए उनकी क्या होनी चाहिए, एक डिटेल्ड या डिटेल्ड एंड डॉक्यूमेंटेड कंप्लायंस पॉलिसी होनी चाहिए, जिसके अंदर बैंक की कंप्लायंस फिलोसफी क्या है वो राइट डाउन हो। उसके साथ साथ जो आपके कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसका रोल क्या होगा, वो किस तरीके से सेटअप करा जाएगा, उसके अंदर स्टाफ कौन सा होगा एंड उस स्टाफ की क्या कंपोजिशन होगी, वो भी क्या होनी चाहिए, इंक्लूड होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी बोर्ड है वो क्या करेगा, एनुअली बेसिस पे इस पॉलिसी को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। जैसे हमने भी ऊपर वाले पॉइंट में देखा कि ब्रीचेस के बेसिस पे या जो एनुअली और क्वार्टरली रिव्यू प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पे बैंक्स एसीबी या ऑडिट कमेटी क्या करती है, इन्फॉर्म जजमेंट्स बनाती है, इन्फॉर्म डिसीजन लेती है। बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अपनी कंप्लायंस पॉलिसी का रिव्यू करते हैं ताकि इनकेस अगर उन्हें लगता है कि कोई चेंजेस करने की जरूरत है उनको क्या करा जा सके, उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करा जा सके। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि जो बैंक की पॉलिसी है उस इट शुड प्रोवाइड कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो इंडिपेंडेंटली सेटअप करा जाएगा एंड सीनियर लेवल का बंदा क्या करेगा, उसको हेड करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो उसका सपोर्ट स्टाफ होगा, मतलब जो उन लोगों को सपोर्ट करेगा, कंप्लायंस डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगा, उस स्टाफ की क्या रोल्स होंगे एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वो भी क्या होनी चाहिए, आपकी कंप्लायंस पॉलिसीज के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस आपका पॉलिसी है उसके अंदर ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि हेड ऑफिस के अंदर कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर किस तरीके से वर्क करेगा एंड ब्रांचेस के ऊपर किस तरीके से वर्क करेगा एंड सभी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, इसलिए उसके क्लियरली उसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसके अंदर ये इंश्योर होना चाहिए कि किस तरीके से जो आपका कंप्लायंस फंक्शन है उसकी आप इंडिपेंडेंस को क्या करोगे, इंश्योर किस तरीके से करोगे। उसके बाद जो भी आपके कंप्लायंस फंक्शनरीज होंगे उनकी रेम्यूनेशन किस तरीके से डिसाइड करी जाएगी एंड ये इंश्योर कराया जाएगा कि उनकी रेम्यूनेशन किसी भी बिजनेस लाइन के साथ लिंक नहीं है। आप जनरल परफॉर्मेंस के बेसिस पर लिंक कर सकते हो फॉर द बैंक, बट आप किसी बिजनेस के साथ उनकी रेम्यूनेशन को लिंक नहीं करोगे क्योंकि ये क्या करती है, उनकी इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शन का फोकस है वो फोकस क्या होना चाहिए कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं उनका क्या होना चाहिए, कंप्लाई होना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन की डेफिनेशन वही जो हमने कंप्लायंस रिस्क की डेफिनेशन वाले में पढ़ी थी, सेम चीजों का क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपकी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर यह भी होना चाहिए कि किस तरीके से कंप्लायंस टेस्टिंग प्रोसीजर जो होंगे उनको मॉनिटर करा जाएगा एंड मॉनिटरिंग करने का मैकेनिज्म क्या होगा। उसके बाद अगर इन चीजों के बारे में हमें रिपोर्ट करना है तो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी एंड किस किस चीजों के बारे में सीनियर मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एसीबी एंड कमेटी ऑफ बोर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा, उस चीज की क्या होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए। उसके साथ साथ कंप्लायंस फंक्शन के क्या राइट है ताकि वो इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से वर्क कर सके, इस चीज के बारे में भी आपको कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद आपकी जो कंप्लायंस पॉलिसी है उसके अंदर जो आपके चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होंगे या फंक्शनल डिपार्टमेंट के हेड होंगे दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा वो भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद ये भी इंश्योर आपने करवाना है कि कंप्लायंस फंक्शन और ऑडिट फंक्शन आपस में क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, दोनों के रिस्पेक्टिव रोल्स पे क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर इंफॉर्मेशन को किस तरीके से डिसेमिनेट करा जाएगा, मतलब किस तरीके गाइडलाइंस या जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं ऑपरेशनल स्टाफ तक पहुंचाई जाएंगी उसका मैकेनिज्म भी आपने क्या करना है उसके अंदर इंक्लूड करना है। उसके बाद इन केस बैंक को अपने कोई नए प्रोसेसेस या प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है तो उसके अप्रूवल प्रोसेस क्या होगी वो भी क्या होनी चाहिए आपकी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद कंप्लायंस फंक्शन का एक राइट जो होता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन या उनको कोई भी ब्रीच मिलती है तो वो सीनियर मैनेजमेंट बोर्ड एसीबी या कमेटी ऑफ बोर्ड को क्या कर सके, हैंड कर सके, डिस्क्लोज कर सके, उनका उनके पास क्या होना चाहिए, फ्रीली राइट होना चाहिए। यह चीज को भी क्या करना है आपको अपनी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर देना है। ठीक है, सो अभी तक हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा, कंप्लायंस किस तरीके से वर्क करता है, कंप्लायंस में बेसिकली क्या क्या आता है, उसके बाद कंप्लायंस रिस्क क्या होता है एंड कंप्लायंस रिस्क को मैनेज करने की इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद बोर्ड और सीनियर लेवल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है हमने उसको देखा एंड उसके बाद हमने देखा कि कंप्लायंस पॉलिसी होती क्या एंड कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट हम जो अपना टॉपिक देख रहे हैं दैट इज कंप्लायंस स्ट्रक्चर। कंप्लायंस स्ट्रक्चर बेसिकली कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क जो आप अपने बैंक के अंदर बनाओगे उसको मेंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर क्या क्या आना चाहिए। तो जो कंप्लायंस स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लाइक ब्रांच नेटवर्क कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, साइज कितना है, उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, हर बैंक अपना क्या करता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इट्स कंप्लायंस यूनिट को क्या करता है, डिफाइन करता है। ठीक है, बट जो भी आप स्ट्रक्चर डिसाइड करोगे वो आपके जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होगा फॉर द गाइडलाइंस उसके अंदर आपने क्या करना है, इंक्लूड करना है एंड ये इंश्योर कराना है कि उसके अंदर कंफ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप एक
कंप्लायंस डिपार्टमेंट को फॉर्मल स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे सेटअप प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्या करो अपने हेड ऑफिस के अंदर क्या बना दो, एक कंप्लायंस ऑफिसर बना, कंप्लायंस ऑफिस बना दो। इनकेस आप फॉरेन बैंक हो तो जो भी इंडिया के अंदर आपका प्रिंसिपल ऑफिस होगा उसके अंदर आपने क्या करना है, अपना कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है। एंड जो भी उस डिपार्टमेंट का हेड होगा वो क्यों होना चाहिए, एटलीस्ट सीनियर लेवल मैनेजमेंट का बंदा होना चाहिए। एंड उसका एटलीस्ट रैंक कितना होना चाहिए, डीजीएम जितना उसका रैंक होना चाहिए, ताकि वो अपने नीचे वाले बंदों से क्या कर सके, कंप्लायंस फंक्शंस परफॉर्म करवा सके। ठीक है, उसके बाद कंप्लायंस की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो हेड ऑफ कंप्लायंस होगा उसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि किस तरीके से रिस्क को आइडेंटिफाई करा जाएगा एंड उसको क्या करा जाएगा, मैनेज करा जाएगा। एंड उसने क्या करना है, जो भी उसका सपोर्ट स्टाफ होगा उसकी एक्टिविटीज को उसने सुपरवाइज भी करना है। एंड उसको जो भी अपनी फाइंडिंग्स मिलती है उसको सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है। एंड उसके पास भी एक राइट होना चाहिए कि अगर वो चाहे तो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या एसीबी के पास जाके भी रिपोर्टिंग कर सकता है। ठीक है, जो भी आप कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करोगे वो एक फिक्स्ड टेन्योर के लिए होना चाहिए। एंड उसके बारे में भी आपको क्या करना है, अपनी कंप्लायंस पॉलिसी के अंदर बताना है। आप उस पर्सन को, कंप्लायंस ऑफिसर को, उसके टेन्योर से पहले रिमूव कर सकते हो, बट उसके लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल ऑफ द बोर्ड लेनी पड़ेगी। एंड जो भी आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर होगा उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। बट उसको रिमूव तभी करा जा सकता है जब ये पता लगाया जा सके, आप क्लियरली एस्टेब्लिश कर सको कि उस बंदे ने क्या करा है, ओमिशन करा है या कमीशन करा है। एंड उस चीज को आपने प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर लिया एंड ट्रांसपेरेंट मैनर के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, तभी क्या करी जा सकती है, उस पर्सन की रिमूवल करी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड को भी इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन है। एंड अगर उसमें चेंज होता है तो चेंज होने का रीजन क्या है। सेम चीज आपने रिजर्व बैंक को भी बतानी है कि आपका कंप्लायंस ऑफिसर का नाम क्या है, एंड इनकेस कोई चेंज आया है तो चेंज कब आया एंड क्यों आया, वो भी आपको उसको बताना है। लार्जर बैंक के केस में नॉर्मली क्या होता है, जो कंप्लायंस स्टाफ है वो हर बिजनेस लाइन के अंदर भी क्या हो सकता है, अपॉइंटेड हो सकता है। नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं कि आप अपने हेड ऑफिस पे रखो, बट अगर आपको लगता है कि आपको ईच बिजनेस लाइन के लिए अलग से कंप्लायंस स्टाफ चाहिए तो आप वहां भी क्या कर सकते हो, उनको अपॉइंट कर सकते हो। ऐसे बैंक जो इंटरनेशनली वर्क कर रहे हैं उनके पास जो कंप्लायंस स्टाफ है वो ग्रुप लेवल के ऊपर भी हो सकता है एंड लोकल लेवल के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि उनको ग्रुप लेवल के बेसिस पे भी कंप्लायंस करना है एंड लोकल लेवल के ऊपर भी कंप्लायंस करना है। बट उन्हें ये इंश्योर कराना है कि जो भी लोकल लेवल के ऊपर कंप्लायंस ऑफिसर है वो अपने रीजनल ऑफिस या ग्लोबल एक्ट को क्या कर रहे हो, रिपोर्टिंग उनकी कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद कुछ बैंक्स अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, देयर कंप्लायंस फंक्शन विद देयर ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क फंक्शन। मतलब कुछ बैंक्स अपने आप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनका जो कंप्लायंस फंक्शन है एंड जो उनका ऑपरेशनल रिस्क फंक्शन है वो इकट्ठे वर्क कर सकता है। रीजन बिंग दोनों में क्या होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। कुछ बैंक चाहे दोनों को अलग करके भी रख सकते हैं, बैंक चाहे उनको इकट्ठा करके भी रख सकते हैं, बट उन्हें ये इंश्योर करना है दोनों के बीच में कोऑपरेशन होनी चाहिए, दोनों को क्या होना चाहिए, कंप्लायंस होना चाहिए, दोनों के रिस्क को हमने क्या करना है, कम से कम रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बैंक्स ने इंश्योर कराना है कि जो भी आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा उसको आपने क्या करना है, एडुकेट स्टाफ प्रोवाइड करना है। जितना स्टाफ उसके अंदर होना चाहिए उसको आपने क्या करना है, प्रॉपर स्टाफ प्रोवाइड करना है। उसके साथ साथ हेड ऑफिस के अंदर, कंट्रोलिंग ऑफिस के अंदर या ब्रांचेस के अंदर, बेसिकली जहां भी आपने क्या कर रहे हैं, अपने कंप्लायंस ऑफिसर बनाए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके फंक्शंस क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। बट उन सबको क्या करना है, रिपोर्टिंग इसको करनी है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को अपनी पूरी रिपोर्टिंग करनी है कि हेड ऑफिस के बेसिस पे क्या कंप्लायंसेस थे, क्या कंप्लायंसेस हुए, क्या ब्रीचेस हुए, उनकी रिपोर्टिंग सेम एट कंट्रोलिंग ऑफिसेज एंड ब्रांचेस पे। ठीक है, उसके बाद जो भी कंप्लायंस डिपार्टमेंट होगा इन द हेड स्टाफ एंड या कंप्लायंस ऑफिसर्स होंगे एट कंट्रोलिंग ब्रांचेस, कंट्रोलिंग ऑफिसेज या ब्रांचेस, उनका प्राइमरी फोकस किस पे होता है, कंप्लायंस फंक्शन पे होता है। बट स्मॉल ब्रांचेस के अंदर बेसिकली क्या है, कंप्लायंस फंक्शन इस तरीके से इतने ज्यादा नहीं होते, तो कंप्लायंस ऑफिसर को कुछ और काम भी दिया जा सकते हैं, बट ये इंश्योर कराया जाएगा कि उनके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा ना हो कि आप उस पर्सन को, जिस पर्सन को एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कंप्लायंस चेक करना है उसी कैटेगरी का उसको आप काम दे रहे हो। लाइक एक बंदा है, एक ऑफिसर है, उसको आपने रिटेल बैंकिंग का काम दिया, हम उसको ये कह रहे हो रिटेल बैंकिंग के ही कंप्लायंस चेक कर, तो दोनों में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपने इन चीजों को क्या करना है, अलग अलग रखना है। उसके साथ साथ बैंक्स को इंश्योर कराना है कि किसी भी कंप्लायंस स्टाफ को ऑडिट या इंस्पेक्शन की ड्यूटी प्रोवाइड नहीं करी जाएगी, क्योंकि उससे तो क्लियरली कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ऑडिट आपने करना ही कंप्लायंस फंक्शन का है। तो अगर जो बंदा कंप्लायंस करा रहा है वही उस चीज को ऑडिट करेगा तो वो अपनी गलतियां ही नहीं बता पाएगा। तो इस चीज को आपने क्या करना है, दोनों को अलग अलग करके रखना है। ये जरूर इंश्योर कराना है कि जो आपका ऑडिट होगा वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंटली कंडक्ट होना चाहिए बाय सेपरेट सेट ऑफ स्टाफ। ठीक है, उसके बाद कुछ बैंक्स के अंदर सारी की सारी जो कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कंप्लायंस डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं की जाती, बट
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर मॉडल साइज स्ट्रक्चर एंड स्टाफ। बट ऐसे कंप्लायंस फंक्शन स्टाफ जो क्या कर रहे हैं, अलग अलग ऑपरेटिंग बिजनेस के अंदर रिजाइड कर रहे हैं, उनके पास क्या होनी चाहिए, रिपोर्टिंग लाइट होनी चाहिए ताकि वो क्या कर सकें, मैनेजमेंट या लोकल मैनेजमेंट को क्या कर सके, रिपोर्टिंग कर सके, ठीक है। बट इट मे बी इंश्योर्ड दैट दे ऑल्सो हैव अ रिपोर्टिंग लाइन थ्रू द हेड ऑफ कंप्लायंस एज रिगार्ड देयर कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कि आप जो ये भी इंश्योर करा सकते हो कि जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो लोकल लेवल मैनेजमेंट को या सीनियर मैनेजमेंट को भी कर सके एंड अपने कंप्लायंस ऑफिसर को डायरेक्ट भी कर सके, ताकि अपनी क्या कर सके, कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो पूरा कर सके, तो ठीक है। उसके बाद ऐसे केसेस जब कंप्लायंस फंक्शंस है वो अलग अलग सपोर्ट यूनिट्स के अंदर वर्क कर रहे हैं, उस केस के अंदर आपको अलग से सेपरेट लाइन रखने की जरूरत नहीं है, बट उनके पास हेड ऑफ कंप्लायंस को रिपोर्ट करने की लाइन होनी चाहिए एंड उसके साथ वो क्या करेंगे, प्रॉपरली बेसिस पे कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। उस केसेस में देयर शुड इनवेरिएबली बी एन अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन, कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि कंप्लायंस ऑफिसर एंड जो कंप्लायंस हेड है वो अपने काम अच्छे तरीके से कर पाए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको असाइन करिए उनको इफेक्टिवली क्या कर पाए, वो परफॉर्म कर पाए, ठीक है। उसके बाद जो कंप्लायंस फंक्शंस होंगे उनको जो अदर रेगुलेटर्स लाइक IRDA SEBI से भी जो गाइडलाइंस आ रही हैं उनको भी क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि बैंक्स हो सकता है वो काम भी कर रहे हों। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया कि सपोज एक बैंक अगर इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहा है तो उनको IRDA वाले फंक्शंस भी क्या करने हैं, उनकी गाइडलाइंस को भी क्या करना है, फॉलो करना है। उसके साथ साथ बैंक्स को ये कहा गया कि इन केस अदर रेगुलेटर्स ने कोई डिसकंफर्ट बताया कि मतलब अदर रेगुलेटर ने बताया कि कुछ को नॉन कंप्लायंस होया है, तो उस चीज को क्या करना है, बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोटिस के अंदर लेके आना है, ठीक है। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो एक नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बैंक एंड रेगुलेटर वर्क करेगा, कि बैंक एंड रेगुलेटर आपस में जब एक दूसरे से बात करेंगे तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के थ्रू ही होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये चीज पर डिमांड नहीं करेगा कि बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, कंप्लायंस फंक्शन किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, कि वो अलग अलग लोग अलग अलग हैं, कि क्या कंप्लायंस फंक्शंस वाले सिर्फ कंप्लायंस का काम करते हैं, कोई अलग काम करते हैं, क्या बिजनेस यूनिट्स के अंदर ही कंप्लायंस वाले बैठते हैं या बिल्कुल अलग बैठते हैं सेपरेट डिपार्टमेंट, डजंट मैटर। जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो क्या करेगा, नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। जो आपका कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए एंड उनकी एक्टिविटीज का भी क्या होना चाहिए, प्रोडिकली बेसिस के ऊपर इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए, ताकि क्या करा जा सके, उनकी वर्किंग को भी प्रॉपरली, कि वो वर्किंग प्रॉपर हो रही है उस चीज को भी क्या कराया जा सके, इंश्योर कराया जा सके। उसके साथ साथ जो आपका कंप्लायंस स्टाफ है उसके पास बेसिक क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ उसको लो अकाउंटेंसी एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए एंड एडुकेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ताकि अपना काम वो क्या कर सके, अच्छे तरीके से वर्क कर सके। उसके साथ साथ अपने कंप्लायंस स्टाफ को जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं रेगुलेशंस के अंदर उसके साथ उसको अपडेट अप टू डेट रखने के लिए क्या करा जा सकता है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाई जा सकती है, ठीक है। सो दीज वर द प्रोविजंस अबाउट द कंप्लायंस स्ट्रक्चर, कि बैंक का कंप्लायंस स्ट्रक्चर किस तरीके से वर्क कर सकता है। इसके अंदर हमने देखा सबसे पहले तो कि आपको कंप्लायंस स्ट्रक्चर बनाना है, उसके अंदर आप कंप्लायंस स्ट्रक्चर अपने बेसिस के ऊपर बना सकते हो। कंप्लायंस ऑफिसर जो होगा, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो होगा वो सीनियर लेवल स्टाफ का बंदा ही होना चाहिए, एक फिक्स टेन्योर के लिए आपको उसको रखना है। रिमूवल करने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इनकेस कुछ चेंज होता है तो आपको बोर्ड को एंड RBI को उसके बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखे कि किस तरीके से कंप्लायंस डिपार्टमेंट है वो एक बैंक का हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा है जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा उसको अदर रेगुलेटर्स की प्रोविजंस को भी देखना है, इन केस अदर रेगुलेटर्स ने कुछ नॉन कंप्लायंस बताया है तो उस चीज का क्या करना है, हमें RBI को भी बताना है, ठीक है। उसके साथ जो आपका चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होगा वो नोडल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द बैंक एंड रेगुलेटर की तरह वर्क करने वाला है। जो आपका कंप्लायंस स्टाफ होगा उसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ साथ उसको लो अकाउंटेंसी एंड अदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि वो अपने काम अच्छे तरीके से कर सके। अपने स्टाफ को अप टू डेट रखने के लिए क्या करा जा सकता है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड